वीडियो तो भाई आज है सैटरडे और भाई कल फ्राइडे था तो मैं कल कॉलेज गया था। भाई कपिल भाई आया एकदम से कॉलेज में और भाई इनका प्लान बन गया मेरे दोस्तों का कपिल के मिलके कि भाई चलना है ऋषिकेश। तो भाई ऋषिकेश के लिए मैं भी रेडी था, सब लोग रेडी थे, लेकिन भाई हमारा एक दोस्त पहले गया हुआ था वहाँ पे ऋषिकेश में, तो बता रहा भाई अभी मत आओ, पता नहीं कुछ सीन बता रहा था वहाँ पे। तो भाई क्या भाई क्या बोल रहे हैं पब्लिक को बता दे एक बार। सेब खा ले भाई तू। तो भाई फिर ऋषिकेश का प्लान कैंसिल हो गया, अब भाई जा रहे हैं वृंदावन। सुबह के भाई 7 बज गए हैं, 7 बजे सारे हैं मेरे दोस्त भाई, है मुकुल, सुमित, कपिल और ये भाई आर्यन दिखते हैं। आर्यन भाई वेलकम टू नोएडा। सुमित भाई ये पहली बार नोएडा आया है, मुझे खबर है कि मुकुल के मामा ने लेक्सस ले लिया है। वरना पे लिखवाया क्या बोल रहा है, वरना पे लेक्सस लिखवा लिया। तो भाई पार्टी छोड़े मुझे एक राइड करवा दिया लेक्सस की मुकुल भाई, मेरे को नहीं मिल रही खुद। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे यहाँ से 40 से 45 मिनट दिखा रहा है वृंदावन तक के लिए, सारे गाड़ियां बैठे हैं। इससे पहले भाई मुकुल फोटो शूट कर रहा है यहाँ पे, मुकुल भाई फोटो दिखाई ऑडियंस को एक बार। ब्रेक ले रुके हुए थे, कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये मैजिक मैजिक फूड जोन। तो भाई यहाँ पे भी पहले वॉशरूम यूज किया फिर भाई खाना खाने गए। भाई मुकुल खाने की क्वालिटी कैसी थी बता दे एक बार। टेस्टलेस खाना था भाई, सही में पैसा बर्बाद हो गया वहाँ पे, सही में लिटरली हम रिग्रेट कर रहे हैं कि यार हमने क्यों खाया यहाँ पे, इतना गंदा खाना भी वर्थ नहीं था एक तो, और टेस्ट बहुत ज्यादा गंदा था। पर ठीक है हमने किस अच्छे से खाया। अब भाई निकल रहे हैं और वापस वृंदावन के लिए, बस आधे घंटे ही पहुँच जाएंगे यहाँ से। प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है भाई, सुमित भाई की डिमांड थी कि आगरा जाना है, तो बस दो फोटो के लिए भाई, खाली दो फोटो के लिए आगरा जा रहा है। अब देखता हूँ कितने फोटो खिंचवाएगा, जा रहे हैं। भाई देख लो क्या पहन के आए, लोअर टी शर्ट और लोअर दिखाइए एक बार अपना। छोड़ यार मैं कुछ बोलना कैमरे पे आगरा की तरफ, तो खाली बाहर अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर से फोटो खिंचवा लेंगे, या फिर अगर से अंदर जाना होगा तो खाली ये जाएगा, हम बाहर से फोटो खिंचवा लेंगे फिर वहां से ले जाएंगे वृंदावन की तरफ। और तो खत्म तो करनी है। हाँ भाई सही बात है यार, भाई टंकी फुल कराई है, बजट बहुत है हमारा इस बार, और भाई चलानी भी बढ़िया आने वाले इस बार, क्योंकि हाँ भाई देखो अभी कितने चल रही है स्पीड, देखो एक बार कपिल भाई और तेज भाई, और तेज भगा ले यार, दो चार और सही भाई। कपिल एक बार पीछे देख, कपिल पीछे देख, यहाँ पे विन डीजल लगा दिया। एक ब्रेकिंग न्यूज सुमित भाई के लिए, सुमित भाई को 7 बजे तक घर पहुंचना था, लेकिन भाई आपने एक गुड न्यूज है, भाई टाइम से पहुंचा देंगे आपको, 12-1-2 बजे 7 बजे तक तो घर होगा। हाँ भाई घर होगा 7 बजे, ठीक है भाई 8 बजे तक घर छूट में भाई पार्किंग लगा दी इधर ताजमहल की पार्किंग में, कार पार्क कर दिया, सारे भाई यहाँ रखे हैं, हम चार रखे हैं, और अब देखते हैं रिक्शा लेंगे या फिर पैदल पैदल जाएंगे। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई है मेरे को, क्या कह रहा है, मुझे कटवा के फेंक दूँ, कटवा के भाई ये लोग ये बनाने वाले हैं एक ताजमहल उसकी याद में, उसी की याद में, भूल गया क्या ताजमहल में आ गया भाई। भाई इस लड़के का पापा ताजमहल में वो था मजदूर, इसके पापा का दो हाथ नहीं है। फिर तो भाई अंकल ने हाथ लगवाया था क्या उसमें, मसाला अंकल ने तो बनाया था। जूतों की मार्केट कहाँ है, आ गया भाई लेदर मार्केट है ना, जूतों की मार्केट है। कितना दूर है यहाँ से, 3 किलोमीटर मेरे चैनल में 2.5 लाख बंदे देख रहे हैं आपको, ठीक है। चल रहे थे और मेरे को मुकुल तभी चीज दिख गई और ये एकदम हैरान हो गया देख के, भाई जैगवार कैब में चल रही है देखो। मैं पापा को बोलता हूँ कि जैगवार मतलब टैक्सी में चलती है। ले लो अभी जैगवार, तो लेने नहीं लोगे, कभी नहीं लूंगा जिंदगी में भाई, टैक्सी में चलती है, खरीद लो हमारे से बात कर लो। भाई यहाँ पे ऊंट भी है,
ये रहा हमें तो घोड़ा लग रहा है, उनको तो पता ही नहीं हो रहा है। थे जब हम रोड पे आ रहे थे तो ओबराय होटल के बैनर्स लगे हुए थे और ये आ गया ओबराय होटल, ये रहा इसके सामने और ताजमहल इस यहाँ पे सामने इस रोड पे है और यहाँ से एकदम पास में रहा ओबराय होटल। नाइस मेरा हाथ पकड़ लिया भाई, बच्चे से कट्टा मुंह वाला था सही में करा मां कसम करा। क्या बोल रहा है? करा कट्टा ले गया कौन सा कट्टा भाई। बहुत सारी शॉप्स भी है जैसे ये और वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ शॉपिंग लगी इसकी ताजमहल की। भाई गेट नंबर कौन सा है मुकुल? मुकुल लिखा नहीं भाई। हाँ ये ताजमहल सफेद नहीं था। मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई। क्या ये आगरा बोल्ट? अच्छा ईस्ट गेट इस साइड है एंट्रेंस के लिए। और ये हम चल रहे हैं यहाँ पे वादियों में। फिर किसमें कौन सी वादियों में चल रहा थी सारे? एंट्रेंस ये रही ताजमहल की यहाँ पे। और एक कपिल भाई ने अभी वहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है टिकट्स के लिए, तो इसने फोटो खींच लिया। अब देखते हैं अंदर जाना है कि नहीं, क्योंकि अभी हमें वृंदावन भी निकलना है, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। भाई ये रही एंट्रेंस यहाँ पे। विजिबल है ताजमहल ये रहा और ये एंट्रेंस है, यहाँ से आगे जाके वो प्रॉपर व्यू दिखेगा इसका। मुकुल भाई ताजमहल देख ले। मुकुल और मंदिर जा रहे 200 लगा। मुकुल चल अंदर चल रहे हैं भाई। भाई ऑडियंस क्या बोल रहे हो तुम्हें यार, मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई? 200-500 हाँ भाई, टिकट नहीं मिली थी उसकी। हाँ भाई क्या बोल रहे हो? ताजमहल छोड़ तू। हाँ ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं समझ गया तेरी फीलिंग। ग्रैंड एंट्रेंस, कैमरे में पूरा कैप्चर भी नहीं हो पा रहा ठीक से, अल्ट्रा वाइड नहीं है कैमरे में। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, सब्सक्राइब वगैरह करो, दोस्तों से भी करवाओ। हां भाई सुना सुना था, पता क्या लिखा है? नहीं बता। सारी सुंदर लड़कियां मुकुल को आई लव यू बोलो और मुकुल को फॉलो करना। तो भाई ये रही एंट्रेंस इसकी। कितने यहाँ रखी है, आज वीकेंड भी है। और ये देखो तो भाई ये रहा अपना सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक, और हम दोनों साथ ताजमहल आए। तो भाई ये रहा ताजमहल, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। भाई भाई देख वो की तैयारी होने, ओए हाथों कट नहीं है भाई। क्यों भाई? तो देख क्या देखूं, बात तो बता दे। ताजमहल देख भाई सामने सातवां जूबा है, आठवें जूबे हम चल रहे हैं। अच्छा फोटो शूट हो गया है और सुमित बाकी अंकलों का फोटो शूट कर रहा है यहाँ पे। क्या करे, एक बार दिखाना कितने बड़े हैं। और ताजमहल आ गई, फोटो भी नहीं दी गई। अबे रहने मुकुल, उन अंकलों के अंकलों की फ्लैग आ रही है। नू देखे ब्लैक आ रही है और उनकी क्या होगी। ताजमहल के एकदम सामने ये रहा। ऐसा पत्थर मेरे घर भी तो लग रहा है। मैंने मेरे रसोई में है। तेरे रसोई में है इसकी एंट्रेंस वहां से है, यहां से आगे जाके वो चेकिंग दिख रही होगी आपको, वो है। फोटो खिंचवानी है इन लोगों को, तेरे बात कर रहे हैं आप अंकल से। पर फिर दिखा दे फोटो, अच्छी नहीं आई तो दोबारा खींच लेंगे। अंकल स्पेशल में उस साइड से यहाँ पे घुमा के यहाँ लेके आए हैं। पूरा ताजमहल घुमा दिया अंकल पे, फोटो नहीं करती भाई। हो जाओ भाई जल्दी जल्दी खड़े, पोज कर रहे। अंकल सेट कर रहे हैं कपिल को, पोज बता रहे हैं। चप्पल बना कर रहा है चप्पल की। फोटो खिंचवा रहे हैं पीछे पीछे फोन में लेके। सुमित मेरा भाई कहाँ है? खिंचवानी है नहीं, स्टूडेंट्स आ रखे हैं पूरे। हाँ भाई क्या बोल रहा है? फोटो चाहिए, फोटो तो पोस्ट के भाई। जो इन्होंने फोटो खिंचवाई है DSLR से, बहुत बहुत गंदी आई है, बहुत गंदी। पैसा बर्बाद हो गया भाई मुकुल तुम्हारा सही में। मैंने तो दिया ही नहीं।
किसने दिए पैसे? किसी ने भी नहीं। कपिल शर्मा फ्रॉम भवाना। भवाना या सोनीपत? अब फ्रॉम भवाना सोनीपत बॉर्डर। लेकिन अब जा रहे हैं घर की तरफ। भाई पहले घर जाएंगे वृंदावन जाएंगे? वृंदावन इंग्लैंड जाएंगे। लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज ठीक है। अपने काना के घर। भाई काना के घर जा रहे हैं। एक व्यू देख लो एक बार, इतना प्यारा व्यू आ रहा है। YouTube videos. Okay. You want to be in my part of the video? Oh. You are a superstar. Yeah, yeah. I have seen your videos. Why are you my subscribers? Yeah. Want to say something to my audience? Okay. Let's say hello to my friends. You. क्लासेस पे खरीदे हैं। मुकुल भाई कैसे लग रहे हैं मेरे पे? बेकार लग रहे हैं। बेकार लग रहे हैं भाई। बस कैसे है भैया? लो आप आपका फिल्म। ऐसा लग रहा है पोलर बियर को ग्लासेस पहना। अच्छा। From now we will talk in just in English. Only ENGLISH. Yeah, only in English. If anybody will TikTok in HINDI, we will beat him to hell. You color blind. You color blind. To my friend Aaron is a native speaker from America. Hey guys, welcome to our vlogging channel. Hey. Hi guys, welcome to my vlog. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। He is just from SRM University in Sweden right now. And same course. statement. Let's talk about these things. ऐसे निकल रहे हैं आप घर की तरफ, सॉरी वृंदावन की तरफ। भाई ये रहा वो दो ओब्रॉय होटल। और अब ये लोग जा रहे हैं मेरे दोस्त सारे पार्किंग की तरफ। कुल भाई को खीरे खाने हैं। खाएगा भाई? कितने का अंकल? कितने का है? 20 का भाई। ये अबे वीडियो क्यों ना ले। आगे थे और ये सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। भाई अभी हमारा स्कैम हो गया बहुत गंदा। अभी हमें लगा कि राधा रानी कुंड के लिए हमने एक बंदे से रास्ता पूछा तो उसने बताया राइट साइड में जाओगे तो राधा रानी कुंड है, लेफ्ट में बाकी बैरी मंदिर है। हम राइट में चले गए और यहाँ पे आगे जाके वो मानसरोवर है। भाई वहाँ पे नहाने का कुछ था भी नहीं। तो भाई स्कैम हो गया हमारे साथ बहुत गंदा। अब हम जा रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर की तरफ। आ गए गाड़ी पार्किंग में लगा दी है भाई सारे रिक्शे लेके। भाई मैं अंदर कर लूंगा भाई रिक्शा लेके। अब जा रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर की तरफ। लेकिन भाई अभी तो 4 बजे हुए तो मंदिर तो बंद होगा तो उससे पहले नहा लेंगे हम गंगा में, यमुना में जाके नहा लेंगे घाट पे। थोड़े कपड़े और इसमें है। अरे आ रहे हैं बिल्कुल आगे बैठ गया। हाँ भैया आपको डायलॉग बंदा देख रहा है, सब्सक्राइब कर देना। ब्रेकिंग न्यूज है कि ये जो रिक्शा वाले भैया मुकुल के दोस्त बन गए हैं। मुकुल भाई फ्री करवा दे यार, फ्री करवा दे। मैं तो इनसे किराया लूंगा रिक्शा मैं चलाऊंगा। ठीक है भाई। तो भाई एक पतली सी गली में इन्होंने आ गए हैं। इन लोगों का नहाना था कपिल और मुकुल को, लेकिन भाई इनका डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसी घाट पे नहाएं या उस साइड जाएं। तो भाई उस साइड जाने के लिए बोट लगेगी और भाई महंगा बताएगा मैं बहुत ज्यादा। तो कैंसिल हो गया है। अब जा रहे हैं निधि वन की तरफ। मुकुल भाई लास्ट बार पूछ रहा हूँ नहाना है कि नहीं? नहाएगा पता नहीं कहाँ नहाएगा, अब देखते हैं। निधि वन में आ गए हैं, गेट से एंट्री कर लिया। भाई गेट नंबर 2 है। जब मैं लास्ट टाइम आया तो गेट नंबर 1 से एंट्री करी थी मैंने, लेकिन इस बार गेट नंबर 2 से एंट्री करी है। निधि वन की और लास्ट टाइम उस गेट से आया था मैं, गेट नंबर 1 आया और गेट नंबर 2 ये था। डांस वगैरह भी हो रहा है। निकल गए हैं भाई, जा रहे हैं बाकी बैरी मंदिर की तरफ। निधि में शूट नहीं किया भाई क्योंकि यहाँ पे अलाउड भी नहीं था और रश भी बहुत ज्यादा था इस वजह से। तो आगे देखता हूँ अभी, और भाई रश तो यहाँ ही बहुत ज्यादा लग रहा है। इस सब लोग जा रहे हैं बाकी बैरी मंदिर की तरफ। मार्केट में जो बाकी बैरी मंदिर के पास मार्केट है वो है ये, ऐसा कुछ दिखता है। आ गए लाइन लगी है मंदिर के लिए। और भाई जूते चप्पल उतार दिए हैं, यहाँ पे इन भैया की दुकान है और प्रसाद वगैरह ले लिया। भाई अंदर शूट नहीं करूंगा, बाकी आ गया आपसे मिला के बताऊं।
बिहारी भाई बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन हो गए थे, फिर वहां से निकलने में बहुत सारा टाइम लगा, रिक्शा ले लिया। अब यहाँ से जा रहे हैं कार में, फिर कार से आएंगे प्रेम मंदिर की तरफ। बाकी भाई सबका एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कैसा कैसा रहा। गुल भाई आपको कैसा लगा मंदिर में? फिर भाई आपको कैसा लगा मंदिर में? मंदिर में भाई पहले तो थोड़ी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ भाई दर्शन के लिए। हाँ भाई बीच में ये सुमित भाई और आर्यन भाई का मन बदल गया था एक बार के लिए। हाँ भाई सुमित ने घुमा दिया था। हाँ नहीं भाई इसने मेरे हाथ पड़े भाई कपिल चलना पड़ेगा। हाँ इसने मेरा हाथ पकड़ा ना अब तक करके जाएंगे। मगर भाई ने बोला करके जाएंगे तो करके जाएंगे भाई। मैं भी सही मिलिट्रली बता रहा हूँ, अभी मैं ऊपर गया जो सीढ़िया है वहाँ पे जो ठाकुर जी के पास में, मैं वहाँ पे गया, वहाँ इतनी भीड़ थी कि एक बार मैंने सोचा कि भाई चलते हैं वापस। फिर मैंने कहा नहीं भाई जाना है तो आप तो दर्शन करके जाना है एकदम आगे तक। भाई बहुत प्यारा दर्शन हुए पर भीड़ उमदा। हाँ भाई भाई आईपीएल से भी ज्यादा भीड़ थी भाई स्टेडियम पूरा था। भाई दर्शन के बाद जो पॉजिटिव वाइब्स आई ना मैं बता नहीं सकता, लिटरली बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो बताया क्या जब तू सब कुछ बता ही नहीं सकता। हाँ भाई तू एक काम कर तू कुछ मत बोल बंद कर। ठीक है भाई यही से कट में जाएगा। अच्छा ट्रांसिट है रिक्शा के लिए, दूसरे रिक्शा ले रहे हैं ऐसे भैया लेके जा रहे हैं वो आगे हैं ये वाले भैया इधर जाएंगे अभी आगे से रिक्शा कल मिल गया हमें पीछे यहाँ से ये भैया लेके जाएंगे हमें आगे तक जहाँ हमारी कार की पार्किंग है। ढाई लाख बंदा देख रहा है पीछे देखो रिक्शा बाद में चलाना। प्रेम मंदिर आ गए हैं, ये रहा प्रेम मंदिर एंट्रेंस भाई, इसके एंट्रेंस है, मॉन्यूमेंट्स बना रखे हैं तो प्रॉपर यहाँ से जय श्री कृष्णा कालिया नाग। भाई अब आ गए हैं गाड़ी में, हम निकल रहे घर की तरफ। भाई अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।